आज का मेरा ब्लॉग में आप सबको स्वागत है। स्पॉन्जी दोसा और नारियल की चटनी तकाली तो के यही था आज का सुबह का ब्रेकफास्ट। सुबह का ब्रेकफास्ट खत्म हो गया। अभी लंच बनाने के लिए जा रही हूँ। 10:30 बज गया। आज का लंच में मैं बनाने के लिए जा रही हूँ पापड़ी की सब्जी, सांबार और चावल, पापड़। इतना ही है लंच में, सिंपल सा लंच है। तो हम देखते हैं किस तरीके से सब बनाते हैं। मैंने इधर चावल लेकर धोने के बाद कुकर में डालकर रखी हुई हूँ। गैस ऑन करकर इसका अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ, नहीं तो आप लोगों को घी चाहिए तो भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। इधर एक कढ़ाई रखकर हम सब्जी बनाएंगे। इसमें भी मैंने कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ। हमारे घर पे सबसे ज्यादा केरला डिश बन रहे, इसलिए मैंने कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं 1 टेबलस्पून ही मैंने ऑयल डाला है। भी उसका अंदर 1 टेबलस्पून राय, सूखा हुआ मिर्ची, थोड़ा सा करी पत्ता। करी पत्ते में पानी है इसलिए बाहर छिड़क रहा है, तो मैंने बंद कर कर रखी। फ्राई का आवाज आएगा तो हमको पता चलेगा, तब हम खोलते हैं। तब तक क्या करेंगे, हम सांबार बनाने के लिए जा रहे हैं। इसमें भी गैस ऑन करो। तुवर दाल धोने के बाद मैंने भिगोने के लिए 1/2 घंटा रखी थी, वो इसका अंदर डालकर दे देती हूँ। ये मैंने कुकर में बना रही हूँ, इसलिए सब कुछ एक साथ डालकर दे देते हैं। तो सिंपल है और जल्दी हमारा सांबार भी तैयार हो जाए। उसके लिए मैंने इधर एक ड्रमस्टिक लिया हुआ है। सब धोने के बाद उसका थोड़ा सा ऊपर ऊपर का सब निकाल कर रखी हुई है, छिलके के साथ ही है वो भी। अच्छे से धोने के बाद एक पोटैटो मैंने लिया हुआ है, ये भी ऊपर का थोड़ा सा हम स्क्रैच जैसा कैरेट करने के बाद ही एक छोटा सा कैरेट ही मैंने इधर लिया हुआ है। थोड़ा सा बीन्स, पापड़ी, इस सीजन में क्या क्या मिलते हैं सब हम सांबार में डाल सकते हैं। ये गवार, एक टमाटर है, वो भी मैंने अभी डालकर दे दिया। सारा सब्जी का साइज थोड़ा बड़ी साइज चाहिए, ये अभी मैंने 2 कर कर इतनी बड़ी साइज चाहिए। एकदम छोटा छोटा पीसेस नहीं करना। इस तरीके से हम
कर डाल देंगे। अभी इधर राई फूट रहा है तो हम पापड़ी डाल देंगे। अंदर एक हाफ टेबल स्पून नमक डाल देते हैं। एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद बंद करके रखिए। मैं पानी नहीं डालती हूँ, जितना हमने धो लिया फिर वो पानी है उसमें चलेगा। अगर ज्यादा तिक्का चाहिए तो दो हमारा हरी मिर्ची भी उसका अंदर डाल सकते हैं। फिर ढक्कन से बंद कर एकदम सिम में हमको रखना है। सांबर का अंदर हम आधा ग्लास पानी डाल देंगे। कुकर में है इसलिए मैंने अभी से ही इमली का पानी भी डालकर दे देती हूं। हम एक बार मिक्स कर देखते हैं इमली की पानी और इसका अंदर और सारा पानी डाल। अभी फिर से एक कप पानी डाल देती हूँ। हाफ टेबल स्पून लाल कलर का मिर्ची का पाउडर। नमक अभी नहीं डालती हूँ, डाल कर दे देंगे। चावल तो पक गया, इसको एक बार हम मिक्स कर देंगे। मैं अभी से ही थोड़ा सा हींग डालती हूँ, हींग तो बाद में हमको डालना है। तो अभी इतना दो चुटकी हींग। इसको भी हम ढक्कन से बंद कर दो सीटी लगाएंगे। मैंने तुअर दाल भिगो लिया, इसी के वजह से मेरे को
दो सीटी चलेगा, नहीं होता पूरा सब्जी बहुत ज्यादा पकेगा। भी मीडियम फ्लेम में रख कर दे देती हूँ, दो सीटी हो गया तो ये भी हम बंद कर देंगे। इसके बीच में हमको इसका ध्यान रखना है, हमारा सब्जी और थोड़ा पकना है, इसलिए वो ये हम रखकर बंद कर कर रखें। ये पक चुका है हमारा पापड़ी का, सब्जी भी तैयार हो गया। इसी को अगर ज्यादा ड्राई करना है तो थोड़ा और सिम में रखकर सांबार का सीटी भी बच के वो भी बंद किया। ये सब्जी का इतना चलेगा, ज्यादा मैं ड्राई नहीं करती हूँ, तो गैस बंद कर कर इस तरीके से बंद कर लेती हूँ। दाल भी अच्छे से पका हुआ है। अभी हमको क्या करना है, गैस ऑन कर कर थोड़ा सिम में रखना है, नहीं तो मीडियम फ्लेम में, और एक छोटा सा कढ़ाई रखकर उसका अंदर मैंने मूंगफली का तेल में आज सांबार बनाने के लिए जा रही हूं, इसलिए मूंगफली का तेल दो टेबलस्पून डालकर दे देंगे। इधर तो तेल अच्छे से गर्म हो गया, अभी उसका अंदर सूखा हुआ लाल मिर्च एक टेबल स्पून, राय थोड़ा सा, करी पत्ता राय फूट रहा है, थोड़ा राय फूटने के बाद मैंने 3 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, धना का पाउडर है ये, हम उसका अंदर ऐड कर देंगे। आधा टेबल स्पून हल्दी, आधा टेबल स्पून लाल मिर्च, सिम में रखकर करना, नहीं हो तो जल जाएंगे जल्दी, उसका कच्चापन निकलने के तक हमको इस तरीके से उसको थोड़ा सा फ्राई करना पड़ता है। मेरा लोखंड का कढ़ाई है इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लोखंड है ना, एक बार गर्म हो गया तो फिर चलेगा। अब इसका अंदर हम निकल कर रखिए 1/2 टेबल स्पून मेथी, ये मेथी का पाउडर है वो भी हम ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हिंग, हिंग पहले से थोड़ा डाली हुई है, अभी थोड़ा और हम डाल देंगे। अच्छा खुशबू आने के लिए शुरू हो गया किचन में। अभी हम गैस बंद करकर उसका अंदर ऐड कर देंगे। अभी मीडियम फ्लेम में 5 मिनट तक उसको अच्छे से उबालेंगे। हेलो, अभी मैं लंच करने के लिए जा रही हूँ, 1:20 हो गया टाइम, दिखाती हूँ मेरा डिश क्या क्या है इसका अंदर। पापड़ी का सब्जी का पापड़ है, राइस फ्राइम से है तो बात, सांबार, दही, आम की पिकल्स, केरला की है ये भी, और चाय हो तो चाच पी सकते हैं। अभी तो खाने के बाद मिलेंगे।
शाम का टाइम है तो थोड़ा सोचा चाय बनाओ। और उसके साथ साथ दोसे का बैटर भी है तो एक ही छोटा सा दोसा बनाकर वो भी चटनी के साथ ले लू। पहला मैंने इधर यही ये तकाली तो कर, ये तो 1 महीने के लिए हम आराम से बनाकर इस तरीके से रख सकते हैं। ऐसा रेडीमेड चटनी है तो हमको तो और टाइम में जल्दी में तो ये ले सकता है, वैसे भी ले सकते हैं तो हमको तैयार करके इसलिए रखते हैं जब भी काम ज्यादा हो या सुबह सुबह बिजी रूटीन में तो हमको कभी कभी चटनी बनाने के लिए टाइम नहीं है, उस टाइम में ये बहुत ही काम आ जाता है। अभी मैंने सोचा ये चटनी मेरी फेवरेट चटनी है इसलिए मेरे को दोस्त खाना के लिए मन करता है। तो उसके साथ साथ हम एक दोसा भी ले लेंगे तो मैंने घी में बना रही हूं। यही हमारे घर का पीछे का सीन है, 4:30 बज गया, बहुत जोरदार प्रकाश आ रहा है ना सूर्य भगवान के, तो पीछे अभी आ नहीं सकते बिल्कुल क्योंकि बहुत तेज से घर का अंदर ही आ रहा है। तो अभी हम आगे जाकर बैठेंगे, दरवाजा मैं पीछे का बंद कर लेती हूँ। यही है मेरे बरामदे का दूसरा एक कॉर्नर, भी मैंने उधर जाकर बैठकर थोड़ा चाय पी लेती हूँ। अच्छा भी लगता है मुझे ऐसा बाहर आकर बैठने के लिए। आज का ब्लॉग इधर से मैं वाइंड अप करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे हम।